बता दें कि प्रदेश भर में नामी बीज कंपनियां किसानों को मानक स्तर के बीज का हवाला देकर ऊंचे दाम पर बीज मुहैया कराती है, वहीं फसल बिगड़ने के नाम पर मुआवजा राशि देने की बात भी कहती है। ऐसे में खरगोन जिले के ग्राम जामली का एक किसान हीरा लाल मिर्ची की फसल लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और कंपनी के खिलाफ अमानक स्तर का बीज देने के नाम पर शिकायती आवेदन पेश किया। इस दौरान किसान ने बताया कि वर्षा कंपनी का मिर्च बीज खरीदा जो अमानक स्तर का निकला। वहीं हीरा लाल ने यह भी कहा कि अन्य किसानों को कंपनी द्वारा मुआवजा राशि प्रदान करके मुझे मना कर दिया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मैंने वर्षा कंपनी से 12 पैकेट मिर्ची का बीज लिया था, जो बीज नकली निकला। कंपनी और डीलर ने मंजूर कर लिया और 40 किसानों को चेक दे दिए। अच्छा। बना बना के श्रीखंडी में दिए, जामली में कुछ किसानों को दिए। और मैं भी उसी मीटिंग में गया था जिस दिन चेक दिए, उसी मेरे को भगा दिया। क्या बोल दिया डीलर ने? बोले तेरी तू दूसरी जगह से बीज लिया नारायणपुर से, और डीलर के यहाँ से जितना बीज लिया था उसको उनको चेक बना दिए बड़े बड़े किसान। और मेरी मिर्ची भी दो बार डीलर देखने आया खेत में। कितनी कितनी फसल लगाई थी आपने? 4 एकड़ की मिर्ची, उसमें सब 5 तरह की वेरायटी मिक्स निकली वर्षा कंपनी। कितने का नुकसान हो गया आपका? मेरा नुकसान 4-5 लाख का होगा। मिक्स होने से फसल कोई गोड़ सही है, उसमें आधा माध मिर्ची 4 वेरायटी में, तो अभी तक वो पौधे खाली। क्या चाहते हो? मैं मुआवजा चाहता हूँ कंपनी, जैसे दूसरे किसानों को उसने चेक दिया ऐसे मेरे को भी दे, और मेरे पास पक्के बीज है, 8,000 का बीज मैंने लिया। क्या नाम आपका? हीरालाल चुहल जामली। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।